الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضون ويقولون سحر مستمر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله तेरी मर्जी पा गया सूरज फिरा उल्टे कदम तेरी मर्जी पा गया सूरज फिरा उल्टे कदम तेरी उंगली उठ गई कमर ककले जा चिर गया अस्सलातु वस्सलाम अलैक या रसूलल्लाह वाला आलिका व सहाबिक या हबीबल्लाह। खुदा की हम्द व सना के बाद हज़रत अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया दुरूद पाक पेश करने के बाद दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। आज का हमारा मौजू सीरत मुस्तफ़ा से मौजज़ात के बारे में है। अल्लाह ताला मुझे हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इलान नबूवत फरमाया, उसके बाद आपने तबलीग फरमाई, तौहीद की दावत देना शुरू की, रिसालत की दावत देना शुरू की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के दीवानों कफ्फारे कुरैश ये देखने लगे कि जब से ऐलान फरमाया है, ऐलान किया है, लोग दर्द हो एक एक दो दो, यहाँ तक कि हमारी बिरादरी से निकलकर, हमारी कौम से निकलकर मुसलमान होने लगे हैं। और वो शख्स जो हमारे साथ 40 साल तक हमारे साथ रहा, जिसे हम सच्चे और अमीन कहते रहे, ईमानदार कहते रहे, 40 साल बाद वो ऐलान करता है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। अब वो दावत देना शुरू करता है, अल्लाह के दीन की तरफ दावत देता है। और हमारे कौम से कई लोग दारा इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। कुफारे कुरैश ने ये देखा कि मामला यहाँ तक पहुँच चुके हैं, अगर हमने इन्हें ना रोका, हमने इन्हें दावत देने से ना रोका, तबलीग देने से ना रोका, तो ये दीन फैल जाएगा, हमारी कौम के तमाम लोग मुसलमान हो जाएंगे। कुफार ख़ानदान से लोग निकल निकल कर इसके दीन की तरफ चले जाएंगे। तो उन्होंने मशवरा किया और कोशिश दर कोशिश करने लगे कि हम इस दीन वाले को जो नया दीन लेकर आया है, यानी अल्लाह का नबी है जिसका नाम मोहम्मद है, अब ये दीन इस्लाम की खिदमत करने के लिए, दीन इस्लाम को फैलाने के लिए, दीन इस्लाम की दावत देने के लिए कोशिश की जा रहा है, मुसलमान होए जा रहे हैं, हमारे खानदान से हमारी कौमों से लोग निकल जा रहे हैं। तो उन्होंने कोशिश की और जुल्म सितम करना शुरू किया, आशाइश को उनके साथ मुश्किलों को उनके सामने खड़ा करना शुरू किया। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मुश्किलों को बर्दाश्त करते हुए, तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए, आजमाइशों को बर्दाश्त करते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही की दावत दी। तो कुफार कुरैश तंग आकर अब कहा कि ऐसा कोई शख्स हो जो कि बड़ा अकलमंद हो, जो कि बहुत तेज हो, जो अकल व शऊर रखने वाला हो, बहुत ही ज़्यादा लोगों से अच्छा सोचने वाला हो, शख्स को बुलाते हैं।
ताकि इस मामले को ख़त्म किया जा सके। मुल्क शाम का एक हाकिम हबीब मालिक, वो एक शख्स था जो कि हाकिम था उस मुल्क शाम का, उसे दरख्वास्त लिखी गई, उसे खत लिखा गया, कहा कि हमारे पास मक्का में एक शख्स है जो 40 साल तक हमारे साथ रहा, 40 साल तक हमारे साथ खरीदो फरोख्त के मामलात में हमारे साथ रहा, और उसे हम ज्ञानदार ईमानदार सिद्दीक कहते थे, लेकिन 40 साल की उम्र को पहुंचने के बाद अब वो ऐलान कर चुका है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, और वो नए दीन की तरफ बुलाता है, और ए हाकिम अगर तू हमारे पास ना आया तो हमारी कौम के लोग मुसलमान होकर नए दीन की तरफ चले जाएंगे, और वो दीन जो हमारा है, जो हमारी कौम में है, बुत परस्ती करने वाले हैं, हम बुतों को पूजने वाले हैं, ये ख़त्म हो जाएगा अगर तूने कदम ना उठाया तो कुछ आपको गुस्सा में अजीब फैल जाएगा। तो ये बात खत में लिखी गई और शाम के हाकिम हबीब बिन मालिक को दिया गया, पहुंचा, उसने पढ़ा, और उसके बाद 12 सवारों के साथ कुफार मक्का की तरफ वो चला, और पहुंचने के बाद कुफार मक्का ने उसका इस्तकबाल किया, और खूब प्रोटोकॉल देने के बाद उसे एक जगह पर बिठाया, एक मकान में बिठाया, और तमाम बड़े बड़े कुफार वहाँ पर इकट्ठे हुए, वहाँ पर गुफ्तगू होने लगी, तो वहाँ पर अबू जाहिल भी मौजूद था। उसने कहा कि तुमने मुझे खत लिखा है, हबीब बिन मालिक ने, कि तुमने कहा है कि वो उस पर जादू का असर हो चुका है, और वो इस तरह की बातें करता है, वो जादूगर है, वो मौजात दिखाता है, तरह तरह की चीज़ें दिखाता है, और नए दिन की दावत देता है, चलो ऐसा करो मुझे आज उसे मिलवा लो, उसे आज बुलाओ। कहा कि ऐसे जल्दी ना करो कि मिलने के लिए हमारे कई लोग, कौम के कई अफराद चले थे कि देख कर आएँ, उससे बातें तो कर आएँ, जान के तो आएँ, वो कौन सी ऐसी अजीम हस्ती है जो नया दीन लेकर आया है, जो दीन को फैलाता जा रहा है, और जो लोग उसकी तरफ जाते हैं वो वापस भी आते, वो दीन से अपने दीन से निकल कर नए दीन में शामिल हो जाते हैं, तो ही को रिसालत की गवाही देने लग जाते हैं, वो ऐसा दीन है कि जिसकी तरफ अगर कोई शख्स, जिस नदी उस नदी की तरफ अगर कोई शख्स जाए तो वो हमारा होकर नहीं बल्कि उनका होकर लोग। तो अभी भी मालिक को कहा कि रुक जाओ, तुम वहाँ पर जल्दी जाने की जल्दी ना करो, बल्कि रुक जाओ, क्योंकि हमारे कई अपराध वहाँ पर गए थे, हमने बड़ी कोशिश की कि वो हमारी तरफ वापस लौट आए, हमारे मुस्तरस्ती की तरफ लौट आए, लेकिन उन पर कुछ असर नहीं होता, और वो तो जो शख्स वहाँ पर जाता है वो उनका होकर रह जाता है। कहा कि अच्छा ऐसी बात है, तो हाकिम हबीब बिन मालिक ने कहा कि अच्छा ये बातें आपकी हैं, चलो ऐसा करो कि मुझे सिर्फ उसे मिला दो, मैं सिर्फ उसका हाथ देखूंगा, और हाथ देखने के बाद मैं बता दूंगा कि इस पर किस चीज़ का असर। कहा कि तुम ये ना करना, उसके हाथ को भी ना पकड़ना, अगर तुमने उनको हाथों को पकड़ा तो सुन लो, उमर बिन खत्ताब जो कि बड़ा जलाली था, यानी बड़े रोब दबदबे वाला था, हमने उसे भेजा, वो वहाँ पर गया, और गए के बाद जब अपना हाथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक में दिया तो वो हमारा नहीं हुआ बल्कि उनका हो गया, अपने दीन से निकल गया। हमने बड़ी कोशिश की, हमने बड़ा चाहा कि ये दोबारा अपनी दीन की तरफ आ जाए, बड़ी से गुजारिश की, बड़े से दबदबे के साथ कहा, बड़ी से कोशिश करते रहे, लेकिन वो हमारी तरफ ना आया, बल्कि उनके हाथों में देने के बाद उनका ही होकर रह गया। क्या कि अच्छा अब इनसे हाथ भी ना मिलाऊं, ना ही इनकी नब्ज चेक करूं, चलो ऐसा करो कि मुझे सिर्फ इसकी आँखें ही दिखा दो। वो शख्स जिसे तुम कहते हो जादूगर है, उसकी सिर्फ मुझे आँखें दिखा दो, मैं आँखें देख कर पहचान लूँगा, अगर आँखें पीली होंगी तो यकान होगा, अगर शुद्ध होंगी तो जोर मसला होगा। कहा कि तुम इसकी आँखों को भी ना देखना। अच्छा इसकी वजह क्या है, तो मुझे आंखें देखने से भी रोकते हो। कहा कि बिलाल हबशी उनके पास गए थे, सिर्फ आंखों से ज़ियारत की थी,
उनके होकर रह गए। एक निगाह पड़ी थी, वो तो मुसलमान हो गए। हाँ जी, उनके पास सिर्फ ज़ियारत के लिए, मिलने के लिए, सिर्फ देखने के लिए गए थे, लेकिन वो तो उनके गुलाम बन के ही रहे, तो उनको आंखों से भी ना देखे। अब बड़ा अजीब मामला हुआ, हाथों को भी नहीं छूना, हाँ जी गुफ्तगू भी नहीं करनी। गुफ्तगू ऐसी, अगर कोई गुफ्तगू उनसे करे तो ऐसी बातें करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं जो किसी इंसान ने पहले कभी सुनी ना हो। तभी तो रिसालत की ऐसी गवाही देते हैं, ऐसी दलीलें देते हैं, ऐसी बातें बताते हैं जो दूसरे लोग करने से आजिज़ हैं। दूसरे लोग इस तरह की बातें नहीं करते, लेकिन जो उनसे बातें करने आता है उनकी बातों पर यकीन कर लेता है, उनका ही रह करता है। और जो आँखों को, जो हाथों को थाम लेता है, आँखों को देख लेता है, उनके पास चला जाता है, वो भी हमारा नहीं देता बल्कि उनका होकर रह जाता है। वो तो ऐसा नहीं है। अब बड़े परेशान हो, अब हाथों को भी नहीं छूना, आँखों को भी नहीं देखना, हाँ जी बातें भी उससे नहीं करनी। कहा कि अच्छा, मैं तुम्हारी सारी बातें मैं मान लेता हूँ, चला ऐसा करो कि एक मतलब उसे यहाँ पर बुलवा लो। क्या कहा? एक मरतबा यहाँ पर बुलवा लो, मैं उसे देख तो लूँ कि किस तरह की अजीम शख्सियत है, कैसा ऐसा शख्स है जो नबी होने का दावा करता है, जो तरह तरह के मौज़े दिखाता है, जो जिसके पास, जो उसके पास जाता है वो उसका होकर रहता है। तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो अजीम शख्सियत कौन है। अबू जाहिल ने तमाम सरदारों को और शाम के हाकिम हबीब बिन मालिक को कहा कि अच्छा, हम उसे बुलवाते हैं, लेकिन एक शर्त है। तमाम से वादा लिया, कहा कि जब वो आएंगे तो तुम में से कोई भी शख्स उनके एहतराम के लिए, इज्जत के लिए, हाँ जी उनकी इज्जत और तकरीर के लिए कोई शख्स खड़ा नहीं होगा, तमाम के तमाम बैठे रहेंगे, कोई शख्स नहीं उठेगा। अगर ये वादा करते हो तो उसे बुलवा लो। तमाम ने वादा कर लिया, तमाम सरदार इस पर कायम होने लगे कि ठीक है, जिस तरह तुमने कहा है कि उनके हजरत के लिए, नाजिर के लिए नहीं खड़ा होना, तो हम तमाम लोग बैठे रहेंगे, वो आएंगे, हमसे गुफ्तगू करेंगे, उनके हजरत के लिए नहीं खड़े होंगे। तमाम लोग बैठ गए, एक जगह मुकर्रर की गई, वहाँ पर वो तमाम लोग आ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलवाया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं तरफ जब तशरीफ लाए, दाएं तरफ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, और पीछे आपकी जोजा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थी, तशरीफ लाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आगे आप तशरीफ लाने लगे, वो लोग जो बैठे हुए थे जिन्होंने कसम खाई हुई थी हमें उठना नहीं है, और जिसने कसम उठवाई थी, जो जाहिलों का भी सरदार अबू जाहिल जिसे कहा जाता है, वो सरदार जिसने वादा लिया कि जब ये आएंगे हम इन्हें देखेंगे, इनकी तज़ीम नहीं करनी, इनकी इज्जत नहीं करनी, हमने इनकी तज़ीम और इज्जत के लिए हमने खड़ा नहीं होना, इनके वक़ार को देखकर हमने खड़ा नहीं होना बल्कि बैठा रहना है, क्योंकि ये रिवाज शुरू हुआ है, ये कई सालों से आ रहा है कि जिसकी इज्जत ना करनी हो, जिसकी तज़ीम ना करनी हो, उसके लिए लोग बैठे रहते हैं कि इसकी हमने तज़ीम नहीं की, हमने इसकी इज्जत नहीं की। जो शख्स किसी की इज्जत करता है, तज़ीम करता है, जब वो शख्स उसके पास आता है वो अदब के लिए खड़ा होता है। ये एक असूल है, ये एक तरीका है दूसरे को, शख्स को इज्जत देने के लिए, वक़ार देने के लिए, यानी तज़ीम करने के लिए एक तरीका है जो शुरू से चला आ रहा है। अबू जाहिल वो शख्स है जिसने ये तरीका दर्ज किया है, जिसकी इज्जत ना करनी हो, तज़ीम ना करनी हो, जिस पर दिल बड़ा ओझल हो चुका हो, जिन पर दिल जो है वो उस शख्स को बड़ा बोझ जानता हो, उसकी गुफ्तगू को बोझ जानता हो, जिसको देखना ना गवार समझता हो, जिससे बातें करना ना पसंद करता हो, जिससे मिलना जुलना ना पसंद करता हो, वो शख्स उसकी तज़ीम और इज्जत नहीं करता। ये सिलसिला उसी की शख्स की वजह से चला आ रहा है आज तक भी। जिससे मोहब्बत ना होना, जिससे नफरत हो, जिससे दुश्मनी हो, जिससे बुग्ध हो, उसके लिए खड़ा नहीं होता बशर का डर। तो अबू जाहिल ने क्योंकि वादा लिया हुआ था, तमाम लोग बैठे रहे, कोई शख्स जुड़े बना, तो सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, जिसने वादा लिया अबू जाहिल, वो खड़ा हो गया। जिसने ये कहा था कि तज़ीम नहीं करनी, इज्जत नहीं करनी, खड़ा नहीं होना, अब वो खड़ा हो गया। इतने में बाकी लोग भी खड़े हो।
मेरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी। अब बड़ी अजीब कैफियत है, जो शख्स ये वादा लेता है कि तुमने खड़ा नहीं होना और वो सबसे पहले खड़ा हो जाए तो वादे की खिलाफी तो उसने कर दी कि तुमने तो पहले से ही वादा तोड़ दिया। कौन था सा जिसने ये वादा किया था कि कोई शख्स खड़ा ना हो, वादा करो मेरे साथ, अब तू वादा लेने वाला, सबसे पहले तुमने ही वादा तोड़ दिया। हाँ कैसा तुम, मुझे तो उठाया गया है, मैं तो बैठा हुआ था, कोई ऐसी ताकत मेरे पास आई कि मुझे खींचा, कोई मुझे खड़ा कर, कोई ऐसी ताकत, ऐसी रूहानियत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, तमाम लोग खड़े हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाने के बाद, वहाँ पर अपनी तशरीफ आने के बाद, आपने हबीब बिन मालिक, क्योंकि वो शाम का हाकिम था जिसे बुलाया गया था कि हमारा एक मरीज़ है जो इस तरह के दिन बातें करता है, नबी होने का दावा करता है, कभी कभी तरह की दावत देता है, नए दिन की वो जो है पैगाम पहुँचाता है, तो हम इससे बड़े परेशान हैं, इस पर कुछ असरात हो चुके हैं, तो तू ये देख कर बताएगा, तू क्योंकि हाकिम भी है तो हकीम भी है, चलो ये बता कि इसमें माकाल क्या हूँ। वह हकीम बिन हबीब बिन मालिक जो कि शाम का हाकिम था, उसने देखा, देखने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुफ्तगू फरमाई और गुफ्तगू सुनते हुए हबीब बिन मालिक ने कहा कि अच्छा, अगर तुम अल्लाह के नबी हो, अगर तुम सच्चे नबी हो, दावा करते हो, तो नबी तो मौजज़ा दिखाते हैं, तो आप मौजज़ा दिखाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अजीम हस्ती है जो एक मरतबा प्याले को दूध उसमें से दूध पी लें, प्याले में से, तो 70 सहाबा हों या 1,00,000 सहाबा हों, उस दूध में से पिएँ तो वो दूध खत्म ना हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अजीम शख्सियत है, अगर किसा कोई ऐसा प्याला हो, कोई ऐसा मशकीज़ा हो जिसमें पानी ख़त्म हो चुका हो, आप अपना दस्ते मुबारक रख लें, उंगलियों से पानी जारी हो जाए। हैं जी, एक शख्स को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लोहाबे दाहन से उर्फ की आँखों पर लगाने के बाद आँख को वापस लगा दे तो वो आँख पहले से ज़्यादा रोशन हो जाए। ऐसे बहुत ज़्यादा वाले नबी से फरमाते हुए कहते हैं, कहें कि बताएं अगर अल्लाह के नबी हैं तो कोई मौजज़ा आप तो हैं, वो आप ये कहें कि मौजज़ा कितने हैं, कौन सा मौजज़ा दिखाएं कि आपके पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से जो उसने कहा कि मौजज़ा दिखाएं, आपके तो मौजज़ा ही हो गए। लेकिन उस शख्स ने कहा, अल्लाह के नबी हो, अल्लाह के नबी तो मौजज़ा दिखाते हैं, तो आप ऐसा करें कि हमें चाँद के दो टुकड़े दिखाएं। और फरमाया कोई चाँद का टुकड़ा ऐसा भी ना हो कि बस जुदा हो जाए और फिर मिल जाए, और ऐसा भी ना हो कि थोड़ी दूर जाए और फिर आपस में मिल जाए। कहा कि ऐसा ना हो, जादू हो, तुमने जो मौजज़ा दिखाना है अल्लाह के नबी हो, तो ऐसा मौजज़ा दिखाओ कि चाँद के दो टुकड़े करो, एक टुकड़ा जबले अबुल कबीस के पास जाए और एक टुकड़ा जबले अबुल कैयान, एक पहाड़, दो पहाड़ के नाम हैं, एक हरम शरीफ के पास है और एक मक्का करीब, मक्का मुकर्रमा के करीब है शहर के, दो पहाड़ बहुत दूर हैं और उनका मील का सा फासला भी बहुत दूर है, और चाँद से ज़मीन से 2,40,000 किलोमीटर का फासला है। साइंसदानी अगर साइंसदान कर सकते हैं, वहाँ पर जा सकते हैं, तो वो फासला भी जान सकते हैं कि कितना किलोमीटर का फासला है। तो ये 2,00,000 ज़मीन से और चाँद तक के दरमियान का जो फासला है वो 2,40,000 किलोमीटर का फासला है, पर अल्लाह के नबी कहाँ पर है, ज़मीन पर तशरीफ़ फरमाए, मक्का पाक में आप तशरीफ़ फरमाए, और जब हज के अर्ज से फरमाया गया, उनसे कहा गया कि आप मौजज़ा ऐसा दिखाएं कि उंगली का इशारा करें, हमें जो है मौजज़ा दिखाएं कि चाँद के दो टुकड़े हो जाए और एक टुकड़ा एक पहाड़ पर जाए, दूसरा टुकड़ा दूसरे पहाड़ पर जाए, हम अच्छी तरह से देख लें, ज़मीन के करीब आ जाए, तो हम समझ जाएंगे कि आप अल्लाह के नबी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा अगर मैं तुम्हें मौजज़ा दिखा दूँ, चाँद के दो टुकड़े कर लूँ, क्या तुम मेरे नबी होने का और अल्लाह के वहदानियत का यकीन कर लोगे?
कहा कि हाँ, हम अल्लाह की बादानियत और आपकी रिसालत की हम गवाही देंगे, हम दारा इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। आप मुजद मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, तशरीफ ले गए, आपने वहाँ पर दो रकात दाखिल अल्लाह की बारगाह में पूरे किए, अलग अलग की बारगाह में इबादत की, अलग अलग की बारगाह में अर्ज गुजार हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों नमाज अदा करने के बाद जबरील अमीन आपके पास आए, फरमाया कई हज़ार फरिश्ते आपके साथ हैं, जबरील इस्लाम के साथ आए और अल्लाह के महबूब को ये अर्ज करने लगे कि हे अल्लाह के हबीब, आप परेशान ना हो, अल्लाह ने पैगाम भेजा। फरमाया हे हबीब, आप सिर्फ इशारा करें, बाकी काम हमारा है। कि आप इशारा करेंगे अंगुले के ज़रिए, हम चाँद को दो टुकड़े कर देंगे, जिसका जिक्र कुरान पाक में है। अल्लाह के हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौजज़ा दिखाने के लिए तमाम कुफार मक्का वहाँ पर इकट्ठे हुए, लोग देखने लगे, बड़े बड़े सरकार काफिरों से बुत परस्ती करने वाले, हाँ जी, बुतों को पूजने वाले, इबादत करने वाले, उन्हें चढ़ावा चढ़ाने वाले बड़े बड़े सरदार वहाँ पर आए। आगे आज हम देखेंगे कि चाँद के दो टुकड़े किस तरह आ सकते हैं। अगर जादूगर हो तो जादू का जो असर है वो कभी इतना दूर नहीं हो सकता, आसमान पर नहीं हो सकता, चाँद पर नहीं हो सकता, बल्कि ज़मीन पर हो सकता है, और किसी इंसान के ऊपर हो सकता है, पत्थर के ऊपर हो सकता है, सुकून वाली चीज़ पर हो सकता है, लेकिन चाँद पर नहीं हो सकता। तो अल्लाह के नबी ने अपना इशारा उंगली को निभाया, उंगली को इशारे किया, उंगली को इशारे के साथ आपने चाँद को हिलाया, चाँद के दो टुकड़े किए, और एक टुकड़ा एक वहाँ पर था और एक टुकड़ा दूसरे वहाँ, दो टुकड़े किए अल्लाह के नबी ने। आज साइंसदान चाँद पर जाकर पहुँचे और तहकीर से उन्होंने ये मालूम किया कि चाँद पर ऐसा निशान है जो कि इसके दो टुकड़े होने पर दलील है। इतने सालों के बाद इसमें देखें तो 2040 2023-24 चल रहा है, 23 2000 साल तो ये गुजर गए। अगर हिजरी देखें तो 1400 साल गुजर गए। इतने साल गुजरने के बावजूद निशान अभी तक मौजूद है, और वो ये बता रहा है कि मुझे उंगली के इशारे के साथ टुकड़े किया गया, और मैं मेरे जो टुकड़े होने के बाद एक काबली रुक रहा, बल्कि अलग अलग पहाड़ों पर मैं खड़ा रहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। हबीब बिन मालिक, उसकी एक बेटी थी, मुल्क शाम में उसका घर है, वहीं का वो हाकिम है, लोड़ी लंगड़ी है, अपाइज है, चल फिर नहीं सकती। अल्लाह के नबी के बारगाह में उसने ये कहा था कि आप मौजज़ा भी दिखाएं, और मौजज़ा अगर दिखा दें, दिखाने के बाद ये भी बताइएगा कि मेरे दिल में क्या ख्याल है। बेटी क्या थी? अपाहिज, हाथ पांव से लूली थी, चल फिर ना सकती थी, हाँ जी, खाना पीना बड़ा मुश्किल होता था, उसके लिए उसे खिलाया जाता था, वो अपाहिज थी। तो अल्लाह के नबी ने जब ये मौजज़ा दिखाया, हाँ जी, चाँद के जो टुकड़े कर दिए, तो सारे मक्का बोलने लगे, ये तो पूरा कर दिए सेहरो मुस्तमिर, ये तो एक जादूगर है कि जिसका इतना बड़ा जादू है कि जिसने चाँद के दो टुकड़े कर दिए। कहने लगे कि ये तो हमारी आंखों पर जादू कर दिया गया, हम पर ये जादू किया गया है कि इन्होंने हमारी आंखों से ये दिखाया है कि चाँद के दो टुकड़े हो चुके हैं, तो हमें यकीन नहीं आता। हबीब बिन मालिक जब उसने ये देखा ना, तो हाकिम का शाम था जिसने दलील कही थी कि दिखाएं अल्लाह के नबी होने पर आपके पास क्या दलील है, आप मौजज़ा दिखाएं तो अल्लाह के नबी होने पर हम आपका यकीन कर लेंगे। जब ये मौजज़ा देखा ना, वो यकीन कर गया और दारा इस्लाम में दाखिल हो गया। वो कुफारों का सरदार, शाम का हाकिम, बड़ी दूर से सफ़र किया, आया इसलिए कि अल्लाह ने चाहा कि वो हुज़ूर की बारगाह में
उनका गुलाम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह के नबी ने चाँद के दो टुकड़े दिखाए, वह आदमी गुलामी में शामिल हो गया। लोगों ने कहा कि ये जादू कर रहे हैं। कहा कि अच्छा, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बाहर से लोग आने वाले हैं, मुसाफिर आएंगे, वो इस बात की दलील देंगे कि उन्होंने भी चाँद के टुकड़े देखे हैं। कई मुल्कों से, कई गांव से लोग सफ़र करके आते रहे और ये गवाही देते रहे कि हमने अपने शहर से, हमने अपने मकान से, हमने अपने गांव से, फलाने मुल्क से हमने चाँद के दो टुकड़े देखे। एक टुकड़ा दाएं तरफ था, एक टुकड़ा बाएं तरफ था, बहुत सारा फासला था, चाँद के दो टुकड़े हो चुके थे। हमने अपने मुल्कों में, हमने अपने शहरों में, हमने अपने घरों में, अपने गाँव में बैठ कर देखा कि चाँद के दो टुकड़े हो चुके। वो अल्लाह के नबी पर वो ज़ात दिखाना, अल्लाह के नबी वो अजीम हस्ती है, सबसे आखिरी नबी है, ख़त्म नबी है, ख़ात्म नबी दीन है। आपने अपना मुर्शिद दिखाया, उसके ज़रिए कई कुफ़ार मक्का दारा इस्लाम का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के पहलू में से एक मुर्शिद मैंने ये बयान किया। अल्लाह ताला हमें अपने नबी से सच्ची मोहब्बत का फरमाए।